कलरफुल सी हो गई है इनकी चिप्स की चाट। तो ये अपना शक्कर का बुरा है, ये शक्कर का बुरादा रहेगा। हाँ जी, आप इंदौर में घूम घूम के थक गए और आपको अभी तक कुछ नया खाने को नहीं मिला है, तो आइए मेरे साथ में करवाता हूँ नया चीज आपको ट्राई। तो ये रहे भैया। तो भैया अपने पास में क्या मिलता है? अपने यहाँ चिप्स चाट है, साबूदाना खिचड़ी है, ये दो चीज फेमस है। चिप्स चाट, ये तो मैंने पहली बार सुना है कि किसी के पास में चिप्स चाट जैसा कुछ होता है, तो ये क्या रहता है भैया? ये चिप्स चाट अपन खुद ने बनाना चालू करा है 2005 में। 2005 रामबाग मलार आश्रम के पास में ठेला लगता था अपना साबूदाना खिचड़ी का, तो जब से अपन बना रहे हैं आज 20 साल से यही काम है अपना। और लोग खाते हैं इसको, बहुत पसंद करते हैं, बहुत बार बार से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपने यहाँ के चिप्स खाने, और बहुत फेमस है। तो बनाइए भैया, कैसे बनती है ये? ओके सर, ये अपनी चिप्स रहेगी जी। ये घर की रहेगी? ये अपने खुद की बनी हुई है। खुद की बनी हुई रहेगी? हाँ। अच्छा, दो तरह की चिप्स रहेगी? ये दो प्रकार की चिप्स रहती है इसमें। ये कौन से फ्लेवर की रहेगी भैया? एक रेड एंड पुदीना, और ये नमक वाली काली मिर्ची वाली। ओके, दो तीन प्रकार की चिप्स रहती है? अच्छा, तीन चार प्रकार की रहती है। हाँ जी। और ये ऊपर से नींबू डाल दिया है? नींबू डाल दिया ऊपर से। हेलो, ये अपन ने नमक डाल दिया, ये फलियारी नमक है, ये फलियारी नमक है, सेंधा नमक, सेंधा नमक। और ये चिप्स चाट का मसाला है, ये चिप्स चाट का मसाला आ गया। हाँ जी, एक खिचड़ी मसाला भी रहता है, चिप्स चाट में भी डलता है, दोनों में रहता है। और ये अपना शक्कर का बुरा है, ये शक्कर का बुरादा रहेगा। हाँ जी, शक्कर का बुरा है। ये तीनों चीज एक साथ एक ही हाथ से डलती है, अभी नमक डला है, ये शक्कर का बुरा डला है, और ये इसी में एक हाथ में ये मसाला आ रहा है। अच्छा, यानी तीनों एक ही साथ में आ गए, आपको पता भी नहीं चलता है? हाँ, सामने वाले को पता भी नहीं चला और डाल दिया। हाँ सही है। और ये अपना कोथमीर है, ये धनिया आ गया, कोथमीर आ गया। हाँ। और ये अपना ये डिस्को मिक्सर है। अच्छा, ये डिस्को मिक्सर रहेगा, ये डिस्को मिक्सर डालते हैं अपन। क्या बात है, यानी एकदम कलरफुल हो गई। हाँ। बहुत ही फ्लेवरफुल हो गई। और एक बार फिर से नींबू डालेगा उसमें, एक बार फिर से नींबू आ गया। हाँ, क्या बात है, एकदम बारिश सी हो गई उस पे, बहुत झंझनाहट के साथ में। ये तैयार हो गया आपका चिप्स का चाट। अच्छा, ये अपना चिप्स का चाट रेडी हो चुका है जी। क्या बात है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहने वाली इनकी चिप्स की चाट। तो भाई, आप भी कुछ नया ढूंढ रहे हो इंदौर में, तो ये चिप्स की चाट जरूर ट्राई कीजिएगा। एड्रेस डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आइए और जरूर से ट्राई कीजिए इसको। तो ये देखिए भैया, ये बन गई है अपनी जो इनकी चिप्स की चाट है, वो देखिए कुछ इस तरह से दिखती है और एकदम कलरफुल सी हो गई है इनकी चिप्स की चाट।